जब लाशे अली अकबर देखा, जनाबे जैनब क्या फरमाती है अपने भाई से मुलाकात करें। रो के फिर सानिए जहरा ने कहा है भैया है माँ से कम मैं भी अकबर को नहीं चाहता किस तरह देखूंगी जख्मी मैं कलेजा इसका मुझ पे क्या बीत रही है मैं बताऊं कैसे जख्म अकबर के कलेजे का छुपाऊं 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 कैसे
आंखों के है उसका लाचा, हर शब रोज उतारा किए जिसका सदका, दिल मेरा बैठ रहा है मैं संभालू कैसे, दम अकबर के गले से का छुपाऊं 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 कैसे। दुनियावी चीज है कि अगर किसी घर में मौत हो जाए और खासकर वो मौत अगर जवान की हो तो घर का हर एक फर्द लाश से लिपट के रोता है। माँ जब अपने लाल के लाशे को देखती है तो माँ खुद को गिरा देती है अपने लाल के लाशे पे, है मेरा लाल बड़ी मेहनतों से पाला था। हर माँ का यह अरमान होता है कि अपने लाल की शादी कर चाहूंगी। उम्मे लैला का भी अरमान था कि मैं अपने लाल को अपने हाथों से सजाऊंगी। हाँ जनाबे, उम्मे लैला ने जब लाशे अली अकबर देखा, उम्मे लैला खुद को संभाल ना सकी। एक फितरी बात कि जब माँ अपने लाल के लाशे से लिपट के रोती है तो अपने सर को अपनी औलाद के सीने पर रखती है। हाँ जनाबे, अली अकबर का छिदा हुआ सीना जब उम्मे लैला ने सीने अली अकबर पे सर रखा होगा, हाँ माँ ने कैसे संभाला होगा अपने आप को, तसव्वुर करें शायर क्या फरमाते हैं। गिर गई लाशे अकबर पे ये माँ कहती हुई है, मिट गई लाशे मुसीबत में कमाई मेरी, लुट गई ख्वाबों की बस्ती जो सजाई थी कभी, मेरे बच्चे को मेरी गोद मिलाओ ज़ैनब, एक लाशे अकबर पे उड़ा दो ज़ैनब, जख्म अकबर के गले का छुपा दो ज़ैनब, आज लैला पे अजब बात मुसीबत है शमीम, माटी गोदी में जवा बेटे की मैयत है शमीम, एक कोहरा मुसाफिर पा है कयामत है शमीम, गश गश आते हैं लैला को संभालो ज़ैनब, एक निदा लाशे अकबर पे उड़ा दो ज़ैनब, उससे पहले शायर अंजुमन हाशिमन के शायर साहब और उसके बाद मौलाना करेंगे। इस वक्त मजदूर की इबादत है आंजुमन पंजाबी पटना। जनाबा दरहाले जनाबे सकीना, वो सकीना जिसे अपने बाबा के सीने के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी, वक्त आखिर इमाम मजलूम
से मासूमा सकीना ने कहा, बाबा एक बार मुझे अपने सीने पर सुला लो, बाबा आखिरी बार अपने कलेजे से लगा लो। इमाम मजनू करबला की जमीन पे लेटे मासूमा सकीना को अपने सीने पर सुलाया और साथ ही साथ एक अहद किया, सकीना आज से तरतीब बदल गई मेरी बेटी, आज से मेरे साथ अली असगर होगा, तू जहाँ फुफिया कहे मेरी जहाँ ऊर्जा सो जाना। मासूमा सकीना को तारीफ गवाह है कि इमाम मजलूम के सीने के अलावा और कहीं नींद नहीं आती। लेकिन आप बताएं कि तारीख क्या बताती है कि बाज़े इमाम मजलूम सकीना को मौत आई है लेकिन सकीना को नींद नहीं आई। जिस बच्ची के सामने अगर कोई शख्स उसके बाप को तकलीफ दे तो वो बच्ची उस शख्स से बड़ा डर जाया करती है जिस शख्स ने उसके बाप को तकलीफ दी। है सरे इमाम मजलूम पे जब छुरी चल रही थी, सकीना ये मंजर पहले से देख रही थी कि कोई शख्स है जो मेरे बाबा की गर्दन पे छुरी चला रहा है, कौन शिमर। मासूमा सकीना को जब जब शिमर तमाचे मारता था, आप तसव्वुर करें कि 4 साल का सन क्या होता है, शिमर जब सकीना को तमाचे लगाता होगा, अल्लाह अकबर, सकीना को देख तक बेहोश हो जाया करती होगी। जब होश में आया करती होगी मासूमा सकीना तो अपने बाबा को याद किया करती होगी, ऐ बाबा। लेकिन मासूमा सकीना सहम जाती थी कि नहीं नहीं मैं अपने बाबा को याद नहीं करूंगी, मैं अपने बाबा पे रोऊंगी नहीं, क्योंकि जब जब मैं अपने बाबा पे रोऊंगी शिमर आकर मुझे ताजियाना मारेगा, शिमर आकर मुझे तमाचे मारेगा। अदादारना में मजलूम जो ताजियाना जवां इमाम सैयद सज्जाद को लगता था वही ताजियाना एक 4 साल की बच्ची को भी लगता था। हाय, अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि क्या ये मुमकिन है कि किसी 4 साल की बच्ची को वो ताजियाना लगाया जाए जो एक जवां को लगता है, तो क्या वो बच्ची बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस मजमे में कोई भी शख्स ये कहे कि हाँ वो बच्ची बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन हाँ, मासूमा सकीना कूफा से होते हुए शाम के जिंदा पहुंची, सकीना को नींद नहीं आई लेकिन सकीना को मौत आ गई। मासूमा सकीना लहज में आपने अपने भाई सज्जाद से क्या फरमाती हूँ बोला जाकर, एक भाई की, एक भाई से एक बहन की ख्वाहिश क्या है बदल खास मदद करें। तड़पाती है रह रह के मुझे घर की जुदाई, करती हूँ दोबारा तुझसे मिले सबको रिहाई, यूं ज़ुल्मो सितम की तेरी बहना है सताई, आई है मुझे मौत मगर नींद आई, आई है मुझे मौत मगर नींद आई। जख्मों से रवा हूँ है मेरे जख्म को भर दो सज्जाद, मेरी कब्र को सैराब कर दो, ये ख्वाब में आबिद से सकीना ने कहा है, ये ख्वाब में जख्मों से रबाकू है मेरे जख्म को भर दो, मरतक को मेरी आब से सैराब तो कर दो, ये ख्वाब में आबिद से सकीना ने कहा है, ये ख्वाब में आबिद से सकीना ने कहा है, ये ख्वाब में आबिद से सकीना ने कहा है, ये ख्वाब में आबिद से सकीना ने कहा है।
पीछे सारे लो ना। करती हूँ बहुत सब्र, गला दुखता है भाई, आ जाओ कि तन्हाई से डर लगता भाई, आराम लहज में भी नहीं मिलता है भाई, दुल्हन तमाशों से बदन दुखता है भाई, जख्मों से रवा तू है मेरे जख्म को भर दो, मरकद को मेरी आब से सैराब तो कर दो, ये बाप मेरा बिजते सकीना ले, ये बाप मेरा बिजते सकीना ले कहा है, ये बाप मेरा बिजते सकीना ले कहा है, ज्यादा तार बाजार कि उस बाई कमंदर गैतन में रतन और बहन तेरी खुले सर, सहमी हुई रहती हूँ मैं हर रोज बराबर, आए ना लहज में वो कहीं शिमरे सितमगर, आए ना कहीं जख्मों से रवा तू है मेरे जख्म को भर दो, मरकज को मेरी आब से सैराब तो कर दो, ये ताब मेरा बिजते सकीना ले बहुत कम उम्र में गुजर हो गई, बहुत कम उम्र में बूढ़ी हो गई। एक बीबी फातिमा ज़हरा, एक जनाबे सुबरा और एक 4 साल के समय हुसैन की बेटी सकीना। मासूमा सकीना को अपने बाबा से इतना प्यार था कि जिसे अपने बाबा के सीने के अलावा और कहीं नींद नहीं आती, जिसे अम्मू के शानों के अलावा कहीं नींद नहीं आती। है मासूमा सकीना ने किस तरह मदालिम सहे, कूफे को सहती हुई गई, शाम के जिंदा में सकीना ने सारे मदालिम सहे। मासूमा सकीना पे जो सतम है उसके पास मंजर शायद जनाब अधर गोपाल पुरी ने ये नौहा लिखा, जिसमें मासूमा सकीना एक भाई से क्या तमन्ना करती है। अक्सर दुनिया की जितनी भी बहने हैं वो अपने भाई से अगर ख्वाहिश करती है तो कहती है भाई मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो, मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दो। मासूमा सकीना ने एक अजब वसीयत की थी मौला सज्जाद से, भाई सज्जाद मुझे इस फटे हुए कुर्ते में दफना देना। मासूमा सकीना जानती थी कि मेरा भाई इस कदर लाचार है, इस कदर बीमार है कि वो मुझे दफन नहीं कर सकता। मासूमा सकीना पे क्या मुसीबत है बता खास वादा करें। कम से हो मगर लगती हूँ मैं हाय ज़ईफ़ा, कोड़ों की अज़ियत से कमर कम है भैया, इस तरह नहीं लोने मुझे भाई उजाड़ा, जिसे उम्र में जीना था उसी उम्र में मारा, जिसे उम्र में जीना था उसी उम्र में मारा,
जख्मों से रवा तू है मेरे जख्म को भर दो मरकद को मेरी आब से सैराब तो कर दो ये ख्वाब में आतिश से सकीना ने कहा मजलूम से जालिम का सितम सह गए अरमा अशकों में मेरे शामों सहर बह गए अरमा अफसोस अधूरे ही मेरे रह गए अरमा हर जुल्मो सितम जोरो जफा सह गए अरमा हर जुल्मो सितम जोरो जख्मों से रवा तू है मेरे जख्म को भर दो मरकद को मेरी आब से सैराब तो कर दो ये ख्वाब में आतिश से सकीना ने कहा दहन के मेरे सूखे आई है मुझे मौत लड़ियों के सितम से पानी जो अगर मिलता मुझे कैदे सितम से सहरा बहन होती तेरी मौत से पहले सहरा जख्मों से रवा तू है मेरे जख्म को भर दो मरकद को मेरी आब से सैराब तो कर दो ये मासूमा सकीना ने अपने भाई से वसीयत की है भैया सच्चार सकीना को सटे हुए कुर्ते में दफना देना। मासूमा सकीना प्यास की हर उस मंजिल से गुजर चुकी थी जिस मंजिल से अब तक कोई नहीं गुजरा था। मासूमा सकीना अक्सर अपने फूफी से पूछती थी फूफी के परिंदे हर शाम कहाँ जाते हैं। किनारे जनक कहने की मेरी बच्ची ये फूफी अपने घर को वापस जाते हैं अपने दोस्तों को वापस जाते हैं। कहते हैं मासूमा सकीना कहती हैं फूफी अम्मा हुसैन की बेटी क्या अपने मदन कर नहीं जा पाएगी। है मौला सज्जाद के लब पर हर वक्त यही जुमला था कि है मैं अपनी बहन की किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया। एक भाई के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है कि वो जिंदा हो उसकी बहन को अजियत दी जाए और वो अपने बहन की किसी ख्वाहिश को पूरा ना कर सके। मौला सज्जाद क्या फरमाते हैं इस मक्ते के बंद में मुनादा करने का अज़हर ये कहा भाई ने जब तक मैं जीऊंगा अम्मा मिले चैन दोबारा तुझे करूंगा मैं जाके मदीने में
मसायब ये पढ़ूंगा हर प्यास की मंजिल पर तेरा नाम लिखूंगा जख्मों से जख्मों से रखूं है मेरे जख्म को भर दो भैया हमारी सब्र को सैराब तो कर दो ये ख्वाब में आग से माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह।